कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए एक अच्छी खबर है, और वो खबर ये है कि सरकार ने पीपीएफ, एनएससी समेत अन्य सभी छोटी बचत बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं, और उसमें अब लगभग 0.3% से लेकर 0.4% तक की वृद्धि कर दी गई है। तो यहाँ पर इसका फायदा सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाला है, और इसके लिए आज 20 सितंबर 2018 को एक प्रेस इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसमें किस स्कीम पर कितना यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है, और ये जो इस साल का थर्ड क्वार्टर है जो कि 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक ये चलेगा, तो इसके लिए जो इंटरेस्ट रेट दी जाएगी सभी स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर वो इस प्रकार रहेगी। तो इसमें इस बार अच्छी बात ये है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको यहाँ पर सरकार ने बढ़ा दिया है। तो इसमें जो वर्तमान रेट है वो भी दी गई है, और किस स्कीम पर कितना इंटरेस्ट यहाँ पर दिया जाएगा, और उसका जो कंपाउंडिंग फ्रिक्वेंसी है वो क्या रहती है। तो जो सेविंग्स डिपॉजिट है उन पर कोई बदलाव यहाँ पर नहीं किया गया, पहले भी 4% थी और उसको अभी भी 4% रखा गया है। उसके बाद में जो 1 ईयर टाइम डिपॉजिट है यानी टर्म डिपॉजिट, उसको पहले 6.6% मिलता, अब उसको 6.9% यहाँ पर कर दिया गया है, और इसमें आपको क्वार्टरली बेसिस पर आपका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद में 2 ईयर्स के लिए पहले 6.7% थी, अब इसको बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। उसके बाद में 3 ईयर टर्म डिपॉजिट, उसको 6.9% था, उसको बढ़ाकर 7.2% कर दिया गया है। उसके बाद में 5 ईयर्स के लिए भी अब 7.8% हो गया है। 5 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट के लिए 6.9 था पहले, इसको अब बढ़ाकर 7.3% यहाँ पर कर दिया गया है। उसके बाद में जो 5 ईयर सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम है जिस पर पहले 8.3% मिलता था, उसको बढ़ाकर यहाँ पर 8.7% कर दिया गया है। उसके बाद में जो बाकी प्लान्स हैं जिसमें 5 ईयर मंथली इनकम अकाउंट है उस पर पहले 7.3% मिलता था, वहाँ पर अब दिया जाएगा 7.7%, और इसको मंथली बेस पर पेमेंट किया जाता है। उसके बाद में जो नेशनल सेविंग स्कीम्स हैं 5 ईयर्स की, जिसमें आपको इनकम टैक्स में भी छूट दी जाती है, जिनको एनएससी आप बोल सकते हैं, तो पहले वहाँ पर 7.6% था, अब यहाँ पर 8% तक का इंटरेस्ट दिया जाएगा, जिसमें आपको वार्षिक के बेस पर कैलकुलेशन की जाती है। उसके बाद में जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम है पीपीएफ, उसमें अभी तक आपको दिया जाता 7.6%, और अब यहाँ पर दिया जाएगा आपको 8.0%, तो लगभग 0.40 की यहाँ पर वृद्धि हो गई है। उसके बाद में जो किसान विकास पत्र है उस पर पहले 7.3% था, उसको अब बढ़ाकर यहाँ पर कर दिया गया है 7.7%। उसके बाद में जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम है उसमें पहले 8.1% था, उसको बढ़ाकर यहाँ पर कर दिया गया है 8.5%। तो यहाँ पर सभी जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उनमें लगभग 0.30% से लेकर 0.40% तक की वृद्धि हुई है, जिसका सब फायदा जो सभी केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं और एक आम आदमी है उसको मिलेगा। और ये जो नई रेट है वो एप्लीकेबल रहेगी 1 अक्टूबर 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक, जो कि इस साल का जो थर्ड क्वार्टर है उसके लिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में जो सूचना दी गई है आपको वो आपके लिए फायदेमंद रहेगी और आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों साथ में भी आप उसको शेयर करें जिससे उन तक ये खबर पहुँच सके, और ऐसे ही लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप वीडियो देख पाएंगे। एक बार फिर से आप सभी को हमारे ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।